था बड़ा ही खास। आम जनता से सीएम का ट्रेन में संवाद हुआ, सीएम ने खुद किया है ये रियलिटी चेक। विश्व मानचित्र में पर्यटन की दृष्टि से जोधपुर अपनी एक अलग ही पहचान रखता है। राजस्थान के दूसरे बड़े शहर जोधपुर में हर साल लाखों की संख्या में देसी विदेशी पर्यटक आते हैं। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रेल का सफर करते नजर आए और व्यवस्थाओं को लेकर पर्यटक और यात्रियों से बातचीत भी की। इसको लेकर एनडीटीवी की टीम ने जोधपुर के मुख्य रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर यात्रियों से भी बातचीत की और लोगों का क्या कहना है, आइए हम आपको दिखाते हैं। पर्यटन की दृष्टि से विश्व मानचित्र में जोधपुर को अलग ही स्थान से देखा जाता है। इस वक्त हम हैं जोधपुर के रेलवे स्टेशन पे, जहां आज जोधपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रहे और वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी ट्रेन के द्वारा जो है वो पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में जोधपुर पहुंचे हैं और बिल्कुल सादगी के साथ। वहीं हम जोधपुर में जो पैसेंजर आए हैं उनसे जानेंगे कि क्या कुछ बदलाव होना चाहिए व्यवस्थाओं को लेकर। सर क्या नाम है, कहाँ से है? सर राजू ठाकुर, दिल्ली से हूँ। जोधपुर परसों आया था, दो दिन हुआ यहाँ पे। थोड़ा सा बताऊंगा आपको, यहाँ पे थोड़ा क्राइम एक्चुअली ज़्यादा लगा मुझे, रोड क्राइम थोड़ा सा बढ़ गया है पहले से फिलहाल। एक्चुअली जोधपुर में आना जाना होता रहता है। और दूसरा ये कि यहाँ पे एक पाँच अभी बारिश हुई है सुबह से, तो पानी निकलने की व्यवस्था ढंग की है नहीं यहाँ पे। इवन इसलिए बाहर आप आए होंगे, आपने देखा होगा कि पूरा भयंकर पानी भरा पड़ा है वहाँ पे। अपने को पार करने में, क्रॉस करने में बड़ी दिक्कत हो रही है। इवन बच्चे हैं, लेडीज हैं, सबको बड़ी दिक्कत हो रही है। तो गवर्नमेंट को इस बारे में ध्यान देना चाहिए कि थोड़ी व्यवस्था भी ठीक करें। एक्चुअली एटलीस्ट जो स्टेशन के पास आसपास का एरिया है वो तो कम से कम सुगम होना चाहिए कि हाँ आराम से बंदा आ जा सके। कुछ और भी पैसेंजर हैं, उनसे बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम सावन चौधरी है। और सर मैं अभी दिल्ली से आया हूँ। सेम टू सेम यहाँ सीन ऐसा है कि सर मतलब रोड में गया और मैंने यहाँ देखा ये कि रोड पे इतने पशु हैं, आवारा पशु, गाय छोटी मोटी, और हाईवे पे, नेशनल हाईवे के ऊपर पशु बहुत ज़्यादा। तो इस मतलब गवर्नमेंट है, मदन लाल जी हैं, शर्मा जी हैं, उनको थोड़ा काम करना चाहिए कि यार पशुओं को मतलब एक्सीडेंट वगैरह सारी चीज़ें ना नहीं होनी चाहिए। और यहाँ क्राइम तो खैर छोड़ दो, क्राइम तो मतलब जिन लोगों से मिला वो सारे के सारे लोग बोल रहे हैं कि क्राइम तो कम, मतलब कांग्रेस सरकार या बीजेपी सरकार, क्राइम वही है, क्राइम रेट कभी कम नहीं हुआ यहाँ पे, सेम टू सेम वही है आज भी। तो जो अभी हमारे बीजेपी के प्रेजेंट यहाँ पे सीएम है, जो हमारे नेता है, उनको थोड़ा इस पर ना काम करना चाहिए, क्राइम को कंट्रोल करना, जो लगातार जो क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है उसको नियंत्रित करना भी जो है वो एक सुझाव दे रहे हैं जो यात्री आए हैं, जो पैसेंजर हैं, जो दिल्ली से हैं, और मुख्य रूप से जो आवारा पशु हैं उनको किस प्रकार से जो आवारा पशु जो सड़कों पर घूम रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं जोधपुर की छवि को जो है वो धूमिल भी कर रहा है। जो कुछ और भी जो लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम भरत है। क्या बदलाव होना चाहिए, क्या सुझाव देंगे? आज मुख्यमंत्री भी स्वयं ट्रेन से यात्रा करके जोधपुर पहुंचे हैं। जी बहुत भीड़ व्यस्त है यहाँ, और थोड़ा पानी इकट्ठा हो रहा है, बरसात के लिए कुछ व्यस्त हो जाए, नाला वगैरह हो जाए, और वैसे सब व्यवस्था बढ़िया है। क्या कुछ बदलाव होना चाहिए? जोधपुर का जो स्टेशन है वो भी अब नया एक स्वरूप भी ले रहा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो स्टेशन है अमृत भारत के तहत उसको भी जो नए स्वरूप में तैयार किया जा रहा है, और क्या क्या सुझाव होने चाहिए, क्या बदलाव होने चाहिए? मेरे हिसाब से सर यहाँ पर कैमरों की व्यवस्था उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। उस हिसाब से हमारे हर जगह पर कैमरे अच्छे होने चाहिए, अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। उधर मैंने देखा प्रतीक्षालय में भी कैमरे और की काफ़ी थोड़ी कमी है, ताकि सुरक्षा में थोड़ी जिम्मेदारी हो, ज़्यादा एक्टिव रहे। और लगभग ठीक है, मोदी सरकार के राज में काफ़ी कुछ अच्छा चल रहा है। कैमरों की थोड़ी बहुत मुझे लग रही है ऐसे ही, थोड़े बहुत कैमरे की व्यवस्था होनी चाहिए। धन्यवाद। सुरक्षा की दृष्टि से जो है वो कैमरे लगवाए जाए, ये भी जो है वो यात्रियों का कहना है। कुछ और भी पैसेंजर, सर कहाँ से हैं आप? लाडनू। क्या कुछ सुझाव देना चाहेंगे, क्या बदलाव होना चाहिए? कहीं लोगों ने जो है वो क्राइम को कंट्रोल करने की भी बात कही, कहीं लोगों ने जो है वो सड़कों पर गड्ढे और जो पानी एकत्रित हो रहा है उसका भी एक मुद्दा उठाया। आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? क्या यही बात है, नेता लोग आने के टाइम में तो सभी लोग करते हैं साफ सफाई, और आम आदमी आता है तो तब कुछ नहीं करते हैं। तो वैसा ऐसे करे तो आम आदमी तकलीफ ना हो और नेता लोग भी तकलीफ ना हो। देख सकते हैं जो प्रधानमंत्री की जो अमृत भारत योजना के तहत है जो जोधपुर का मुख्य रेलवे स्टेशन है वो भी अब नए रूप में मूर्त रूप भी ले रहा है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार।
जी हाँ, तो हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकुल परिहार हैं, जिनसे हम बात करेंगे। मुकुल, आपकी रिपोर्ट हम देख रहे थे, और एक बात बताइए मुकुल, कि यहाँ पर एक जो बहुत ही, ये तो बिल्कुल सही बात है कि वहाँ पर आम जनमानस के बीच सीएम गए, आम जनमानस से उन्होंने बात किया, उनकी समस्याएं जानी, विकास के बारे में बात हुआ, क्या काम बाकी है इसके बारे में बात हुआ, लेकिन एक और जो बड़ा ही दिलचस्प चीज़ था वो था सेल्फी। हमें ये भी पता चला है कि वहाँ पर हमारे देशवासी के लोग जितने भी थे वो तो ले ही रहे थे सेल्फी, बाहर से भी लोग आए थे मुकुल, और वो भी एकदम सीएम के साथ सेल्फी लेने की बस एक फिराक में थे। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, मुख्यमंत्री के तौर पर भजन लाल शर्मा पहली बार ट्रेन के द्वारा जो है वो जयपुर से जोधपुर पहुंचे हैं, जहां लोगों में भी जो मुख्यमंत्री की जो सादगी थी, और मुख्यमंत्री स्वयं जो है वो ट्रेन में अन्य यात्रियों से भी मिले, और वही जो स्वदेशी यात्रियों के साथ ही जो विदेशी यात्री थे उनमें भी मुख्यमंत्री के साथ में जो है वो फोटो और सेल्फी खिंचवाने का जो है वो उत्साह देखा गया था। और वही जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब जोधपुर पहुंचे तो भाजपा के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, मुख्य सचिव सहित जो तमाम अधिकारी थे, उन्होंने मुख्यमंत्री की अगवानी भी की थी। वही जो व्यवस्थाओं को लेकर जो बात करी, हालांकि मुख्यमंत्री पहली बार जो है वो ट्रेन के जरिए जोधपुर पहुंचे थे, वहीं जोधपुर में जब वीवीआईपी मूवमेंट था उसको दृष्टिगत रखते हुए 2 से 5 दिन पूर्व ही जोधपुर की जो क्षतिग्रस्त सड़कें थी, जो बारिश की वजह से जो है वो खराब हो चुकी थी, उनको भी दुरुस्त कराया गया था, और ज्यादा वीवीआईपी मूवमेंट थे उनको भी जो है पूरे तरीके से जो है वो प्रशासनिक अमले के द्वारा जो है वो बारिश के बावजूद भी जो है वो उनको सही करवाया गया था। लेकिन जो आम जन है, जो यात्री है, जब हम उनसे बात की थी मुख्यमंत्री के दौरे के साथ ही जो ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्री थे उनसे भी जब हमने बात की तो कहीं ना कहीं ये कहना पड़ेगा कि जोधपुर जो राजस्थान की न्यायिक राजधानी भी कहा जाता है और लगातार जो यहाँ क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है उसको लेकर भी जो है वो लोगों ने चिंता व्यक्त की है, क्योंकि जोधपुर पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र है और विश्व मानचित्र में जोधपुर जो है वो पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में देशी विदेशी पर्यटक जो हैं वो राजस्थान के जोधपुर में यहाँ की कला और संस्कृति को देखने के लिए आते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि लगातार जो क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है ये कहीं ना कहीं जो है वो अन्य प्रदेशों में भी जो है वो एक गलत छवि को जो है वो प्रदर्शित भी कर रहा है। वहीं आवारा पशु जो जोधपुर की सड़कों पर देखे जा रहे हैं वो भी जो पर्यटकों ने एक बड़ी समस्या के रूप में बताया, जो कहीं ना कहीं जो पर्यटन का ये केंद्र है इसको विश्व मानचित्र में भी एक गलत तरीके से जो है वो प्रदर्शित कर रहा है। जी। और मुकुल, लोगों का क्या कहना है, मतलब जब उनके साथ खाना हुआ, उनके साथ बातचीत हुआ, हम तस्वीरों में भी देख रहे थे कि किसी बच्चे के कंधे पर हाथ रखकर वो बातचीत कर रहे हैं, एकदम जैसे कि एक मैसेज देना कि भाई मैं आपका चीफ मिनिस्टर हूं लेकिन मैं आपका ही हूं, आपके ही परिवार का हूं, आप मुझसे कोई भी खुलकर बात कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी कोई भी बड़ा इंपॉर्टेंट ही टॉपिक क्यों ना हो। लोगों का क्या कहना, उनकी क्या प्रतिक्रिया है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, मुख्यमंत्री का जो हालांकि बहुत आंशिक कार्यक्रम था उसके बावजूद मुख्यमंत्री के जहां जहां कार्यक्रम थे वहां मुख्यमंत्री के साथ में फोटो खिंचवाने के लिए लोगों में खासा उत्साह भी देखा गया। मैं जब आपको बताना हूं, जब रामद्वारा जो जहां संतों का आशीर्वाद लेने मुख्यमंत्री पहुंचे थे, जहां समय की जो बाध्यता थी उसके बावजूद जब बच्चों ने जो बच्चियां वहां थी मुख्यमंत्री के स्वागत में जो बच्चियां जो वहां खड़ी थी उन्होंने जब मुख्यमंत्री के साथ एक सेल्फी खिंचवाने का अनुरोध किया तो मुख्यमंत्री ने अपने काफिले को रुकवा कर जो है उन बच्चियों को मायूस नहीं किया और उनके साथ में सेल्फी भी खिंचवाई और उनके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद भी दिया। और वहीं जहां जहां मुख्यमंत्री के कार्यक्रम हुए वहां लोगों में भी जो है खासा मुख्यमंत्री के प्रति जो है वो उत्साह देखा गया। और मुख्यमंत्री की जो सादगी है, जब वो ट्रेन से पहुंचे थे उस दौरान भी जो अन्य यात्री थे, जो पैसेंजर थे, उनके साथ भी बिल्कुल कोई वीआईपी मूवमेंट ऐसा नहीं देखा गया। और बिल्कुल सादगी के साथ में जो भजनलाल शर्मा की जो एक पहचान है सरल और सादगी और विनम्रता की, वो भी देखने को मिली। जी मुकुल, एक बात बताइए कि जब आप वहां पर लोगों से बात कर रहे थे, हमारे एनडीटीवी ने एक रियलिटी चेक भी लिया, तो एक जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल था वो ये था कि सफर के समय क्या क्या मुश्किलें आम जनमानस को होती हैं या आती हैं, उसके बारे में लोगों ने क्या कहा आपसे मुकुल? बिल्कुल, सफर के दौरान जो इन्होंने जो यात्रा जो कर रहे हैं जो यात्री, मुख्य रूप से जो स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था, आमतौर पर देखा जाता है कि जब स्टेशनों पर जो अधिक यात्री भार होता है या भीड़ भाड़ होती है तो चोरी की घटनाएं होना आम बात ही है, लेकिन जो आम पैसेंजर थे उनकी ये एक मुख्य मांग थी कि सुरक्षा की दृष्टि से हाई डेफिनेशन सीसीटीवी कैमरों को जो है
वो लगवाया जाना चाहिए। वही जो यात्रा सुगम यातायात की जो रेल का है उसके लिए भी साफ सफाई और स्वच्छता भी जो है वो एक बड़ा प्रयास बताया गया। जी, तो आप कह रहे हैं कि स्वच्छता के उस पटल पर और भी काम हो सकता है ना मुकुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मुकुल, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।